सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो स्थिति आज बनी हुई है, दिल्ली एनसीआर समेत तमाम सारे जो नॉर्थ इंडिया के रीजन्स हैं, जाड़े शुरू होते हैं, सर्दियां शुरू होती हैं और हर साल ऐसे ही हालात बन जाते हैं। आयुर्वेद के नजरिए से अगर देखें तो रोगों को जो है वो तीन अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है, वात, पित्त और कफ। अब ये जो सांस से संबंधित या हवा से संबंधित जो रोग है और जो इस समय फैल रहे हैं जहरीली हवा की वजह से, आप इसे किस कैटेगरी में रखते हैं और इस पॉल्यूशन को किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा आपसे। देखिए, व्यक्ति को जीवित रहने के लिए शुद्ध वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, और शुद्ध वातावरण के लिए हमारे को शुद्ध वायु अगर मिले, शुद्ध जल मिले, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण जो है वायु को प्रदूषित करता है, और वायु तो शरीर के या जीवन के लिए सबसे मुख्य है। तो इसमें खास तौर से क्या होता है कि प्रदूषण एक प्रकार का विष है, और ये विष को आयुर्वेद में जनपदोध्वंस के रूप में कहा है। मैंने कई बार अगर ये प्रदूषण ज्यादा हो जाता है तो कई अधिकतम लोगों के ऊपर इसका असर पड़ता है। मतलब यूं नहीं कि पॉपुलेशन में से कुछ लोगों पर असर हो जाए, संपर्क में हर व्यक्ति आता है, वायु प्रदूषण है तो अधिकतम लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। और इसका सबसे पहले प्रभाव पड़ता है क्योंकि हम सांस लेते हैं, तो सांस सबसे पहले संपर्क जो होता है फेफड़ों के साथ होता है, लंग्स के साथ होता है। तो इसलिए वायु प्रदूषण का जो असर है वो शरीर में लंग्स के ऊपर होता है, और उसी प्रकार से इंसान के जो फेफड़े हैं उनमें सबसे पहले जो उनकी नली है उसको नुकसान होता है, तो मतलब फेफड़े की बीमारी व्यक्ति को होने लगती है। इसके साथ में अगर देखें हम, चाहे निमोनिया हो, अस्थमा हो, खांसी हो, सांस लेने में तकलीफ हो, तो ये समस्याएं व्यक्ति को होने लग जाती हैं। और इन समस्याओं के लिए खास तौर से जो वायु है इसका जो संबंध सांस के साथ में रक्त के साथ हो जाता है, जिसको अपन ब्लड कहते हैं, और ब्लड जी के साथ में इस मिश्रित वायु का सम्मिलन होने के कारण रक्त के विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये केवल वायु प्रदूषण वायु के ही विकार नहीं करता है, फिर शरीर के बाकी अवयवों को भी उसके अंदर इन्वॉल्व कर लेता है, और अधिक धातुओं को, रक्त को इन्वॉल्व कर लेता है, तो ब्लड की बीमारियां व्यक्ति को होने लग जाती हैं। और इसलिए अगर हमको इसमें ध्यान रखना चाहिए तो वायु प्रदूषण में ज्यादा रहने के कारण जो व्यक्ति ज्यादा देर तक रहते हैं उनके हृदय पर, फेफड़ों पर, मांसपेशियों की समस्या निर्माण होने लग जाती है। और इस बाहरी जो जो उनका संपर्क बाहर में ज्यादा रहेगा, प्रदूषित वायु के साथ रहेगा, ऐसे लोगों को आंखों में और उनकी त्वचा पर, क्योंकि डायरेक्ट संपर्क होता, हम आंखें खुली रहती है तो आंखों में जलन होना, आंखों के ऊपर विपरीत प्रभाव होना, दूसरा स्किन जो रहती है, डायरेक्ट स्किन जो है इसका एक्सपोजर होता है, तो त्वचा के विकार, ये दोनों विकार होना प्रारंभ हो जाते हैं, और रक्त की दृष्टि होने के कारण रक्त के विकार होने लग जाते हैं। तो देखने में लगता है कि केवल वायु प्रदूषण, पर वो शरीर के अवयवों को और शरीर की त्वचा को, आंखों को, यानी पूरे शरीर को कहीं ना कहीं वो प्रभावित करने लग जाती है। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सरल सहज अंदाज में बताया कि जिस तरीके से जो पॉल्यूटेड एयर है वो हमारे शरीर में रक्त में जाके मिल जाती है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में जाती है, वो रक्त में मिल जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन चूंकि हमारी पूरी बॉडी में है तो वो जो पॉल्यूटेड पॉल्यूटेंट्स जो है वो हमारे ब्लड के जरिए मुख्तलिफ अंगों में जाते हैं और अंगों को जाके प्रभावित करते हैं, और हमारी जो त्वचा है, आंख है, वो सीधे कॉन्टेक्ट में है वायु के, इसलिए हमें स्किन के जो विकार है या आंखों के रोग है वो हमें होने शुरू हो जाते हैं।